बसमिल्स कैसे हैं हमारा आज का जो लेक्चर है वो प्रैक्टिकल के लिहाज से वकला के लिए ला के स्टूडेंट्स के लिए और इवन के हर हर शख्स के लिए जो पाकिस्तान में रहता है और उसके पास कोई किसी किस्म की ज़मीन है कोई जायदाद है तमाम लोगों के लिए हमारा जो आज का लेक्चर है वो इंतहा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आज हमने क्या पढ़ना है इसमें आज हमने रिकार्ड ऑफ राइट के मतलब पढ़ना है कि रिकार्ड ऑफ राइट या जिसको हम आम जुबान में क्या कहते हैं कि रजिस्टर हक ज़मीन क्या है लॉ की तरफ जाने से पहले जो इसका हमारा रेलिवेंट प्रोविज़न है जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन थर्टी नाइन से ऑनवर्ड्स उसकी तरफ जाने से पहले प्रैक्टिकली कि ये है क्या चीज़ और इसकी ज़रूरत हमें कब क्यों कैसे किस तरह और इसमें भी अभी एक चेंज आ गया है जो कि पंजाब में एप्लीकेबल हो चुका है और नियर फ्यूचर में बाकी भी जो तीनों प्रवेंसेज हैं उनमें भी वो चेंज आ जाएगा और वो चेंज क्या है वो इस रिकार्ड ऑफ राइट का कंप्यूटराइज हो जाना अब कंप्यूटराइज होने के बाद इसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट आएंगी और कंप्यूटराइज होने से पहले इसमें क्या था इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम बार बार सुनते भी हैं वो क्या है वो फ़र्द है लफ्ज़ हम सुनते हैं फर्द का अब ये जो फर्द का लफ्ज है इसका क्या मतलब है फर्द क्या होती है और इस्पेली फर्द को पढ़ना अब फर्द को जहां तक बात है पढ़ने की इसके ऊपर अक्सर जो हमारे वकला हजरात हैं उनको भी इस चीज़ का नहीं पता होता कि फर्द को पढ़ा कैसे जाए और क्योंकि हमें फ़र्द को पढ़ने का पता नहीं होता इस वजह से जो फर्द बना रहा होता है यानी कि जो पटवारी है वो क्या कर देते हैं वो इस फर्द के अंदर हमारे अक्सर जो हकूक है वो उसको खा जाते और हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमें फ़र्द के पढ़ने का पता नहीं होता वो हमें वो चीज़ दे देता और हम उसको वैसे ही ला कर क्या करते हैं अपने किसी संदूक में बंद करके रख देते हैं कि जनाब ये फ़र्द हमारे पास आ गई है जहाँ तक बात है ये फ़र्द एक तो इसका ये पैटर्न है और हर प्रोविंस के अंदर कम पैटर्न यही है कॉलम इसके यही है लेकिन सिर्फ़ अल्फाज का फ़र्क है हर शूबे में इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ किए जाते हैं आज हमारा जो एक्चुअल जो चीज़ है वो हमने ये सीखना है कि फ़र्द को पढ़ा कैसे जा सकता है किस तरह हम कोई भी जो फ़र्द है उसको पढ़ सकते हैं तो आज हम इस फ़र्द को पढ़ने के हवाले से कि ये फ़र्द कैसे पढ़ी जाएगी और फ़र्द होती क्या चीज़ है ये फर्द हमारा जो रिकार्ड ऑफ राइट बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू जो मेनटेन कर रहा होता है ये उसकी एक कॉपी है और ये कॉपी किस चीज़ के मतलब है ये कॉपी जो है वो हमारा ज़मीनों के मुतल जितना भी हमारा हक है हम उसके मालिक हैं हम उसके काश्तकार हैं हम उसमें हिस्सा हैं या उसके कुल के मालिक हैं ये तमाम चीज़ इसके अंदर मौजूद ये इस चीज़ का सबूत है कि हम किसी भी ज़मीन के मालिक हैं और यही चीज़ सबसे बड़ा क्योंकि हमें इसका पता नहीं होता और ज़मीनों की ख़रीदो फरोख्त के वक्त जो सबसे बड़े फ्रॉड होते हैं हमारे साथ उस फ्रॉड में सबसे बड़ा हाथ किस चीज़ का है इसको ना समझने का जो मेन इशू है वो सबसे बड़ा फ्रॉड की वजह है क्योंकि ये जो फ़र्द है पैटर्न इसका क्या होगा सेम लेकिन इसकी काइंड्स बहुत ज़्यादा होगी फ़र्द की जो मुख्तफ़ काइंड्स हैं उसमें फर्द फ़र्द मलकियत फर्द रिकार्ड और भी बहुत सी किस्में फ़र्द ज़मानत मुख्तलिफ तो जिस मकसद के लिए हम फ़र्द हासिल करेंगे वो उसका नाम बन जाएगा जो फ्रॉड ज़्यादा होता है वो किसके ऊपर होता है फ़र्द मलकियत अक्सर लोग फ़र्द मलकियत के ऊपर ज़मीनें ख़रीद के बैठ जाते हैं फ़र्द मलकियत की कोई भी हैसियत नहीं है कि इस पर आप ज़मीन ख़रीदें फ़र्द कि जब मैं पटवारी के पास जाता हूँ और पटवारी को जाके बताता हूँ कि जनाब ये रिकार्ड ऑफ राइट है ये फलाँ मेरी ज़मीन है लिहाजा मुझे इसकी क्या जारी करो फ़र्द जारी करो मतलब मुझे एक इसकी कॉपी दे दो कि वाकई मेरा नाम आपके पास रिकार्ड में मौजूद है अब जब वो पटवारी कॉपी देता है तो अगर हम बात करें ज़मीन की ख़रीदो फरोख के लिए तो हमें कौन सी कॉपी चाहिए फ़र्द बफ्ज़ किसके लिए है सेल के लिए तो जमीन की खरीदो फरोख्त आपने जब भी करनी है सिर्फ और सिर्फ कौन सी फर्द तलब करनी है फर्द बै वजह जो फर्द बै है यह सिर्फ पहली बात है मिले कि किसको जो उसका एक डिजोर ओनर है जो एक्चुअल लैंड ओनर है जिसका नाम रिकार्ड ऑफ राइट में लिखा है सिर्फ़ और सिर्फ उस शख्स को फ़र्द बे मिल सकती है किसी और को नहीं मिलेगी पहली बात और दूसरी बात फ़र्द बे सिर्फ उस सूरत में मिलेगी जब ये ज़मीन हर किस्म की इनकम्बरेंस से आज़ाद है मतलब मतलब ये है कि ये हम कहते जी रजिस्ट्रार ऑफिस है फॉर एग्जांपल या रजिस्ट्रार ऑफिस के अलावा यह हमारा पटवारी ऑफिस है अब ये ए है जो अपनी जमीन को क्या करना है। ये उसकी जमीन है प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी क्या है ये प्रॉपर्टी उसकी पी है ए अपनी प्रॉपर्टी है ए को भी हम छोड़ देते हैं इसको हम क्या कह देते इसको हम सेलर कह देते हैं जनाब एक सेलर है अपनी प्रॉपर्टी पी को क्या करना चाहता है बेचना चाहता है लेकिन ये जमीन डिस्प्यूटेड है तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा मुकदमा लगाऊंगा मैं एक्स वाई जेड हूं एक्स वाई जेड ने क्या किया इसके ऊपर जब मुकदमा लगाया तो मुकदमे में इसको क्या मिल जाता है अगर इसका हक हो तो स्टे मिल जाएगा जैसे स्टे मिलेगा ये सबसे पहले भागा भागा जाएगा कहाँ पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको स्टे की कॉपी देगा कि जी मेरी ज़मीन पर स्टे लगा दे। इसकी जो ट्रांसफ़र का जो फर्दर प्रोसेस उसको आप क्या करें यहाँ पे रोक दे तो वो क्या करता है जैसे ही तहसीलदार को रजिस्ट्रार को पता चलता है कि जी एक्स वाई जेड ने सेलर के खिलाफ क्या ले लिए स्टे ले लिए तो वो जाकर इस प्रॉपर्टी के जो कागजात का ये जो कालम उसके पास रजिस्टर पड़ा होता है उसकी कैफियत में आखिरी कॉलम क्या है कैफियत लास्ट कॉलम हमारा क्या है कैफियत तो वो कैफियत में लिख देता है कि ये जो जमीन है इसका इंतकाल जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है ये जमीन आगे मुंतकिल नहीं हो सकती क्योंकि इसके ऊपर क्या है स्टे है तो अगर स्टे हुआ तो वो उसने लिख दिया या ये भी तो हो सकता है कि सेलर बैंक से लोन ले ले जब सेलर बैंक से लोन लेता है तो बैंक वाला क्या करता है जो हमने मॉर्गेज पढ़ा था मॉर्गेज में हमने कहा था कि जी हाँ टाइटल डॉक्यूमेंट्स था या वो कोई एक सिंपल मॉर्गेज पढ़ा था तो सिंपल मॉर्गेज में तो बंदा ये भी कर सकता है बैंक से मॉर्गेज करवाए और ज़मीन को बेच के क्या करे भाग जाए लेकिन नहीं भाग सकता क्यों नहीं भाग सकता क्योंकि जब आप सिंपल मॉर्गेज करते हैं तो बैंक क्या करता है वो मॉर्गेज के कागजात किस को देता है रजिस्ट्रार को कि जी इसकी ज़मीन की कैफियत में डाल दें कि अभी यह रहन शुदा है तो रहनशुदा गई फिर अक्सर ज़मानत के लिए क्या होता है फ़र्द ज़मानत जारी होती है जब कोई शख्स फ़र्द ज़मानत ये भी तो है कि मैं इधर फ़र्द ज़मानत जमा करवाऊँ और उधर से ज़मीन बेच को मैं भाग जाऊँ जब मैं फ़र्द ज़मानत भी जारी करवाऊँगा तो वो भी कहाँ पर लिखी जाएगी कैफ़ियत के अंदर लिखी जाएगी तो जब मैं फ़र्द ब लेने जाऊँगा जनाब मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ तो सबसे पहले वो किस कॉलम को देखेगा कैफियत और अगर कैफियत के अंदर इस ज़मीन के ऊपर क्या है स्टे है इसके ऊपर कोई बैंक लोन है इसके ऊपर कोई और फ़र्द ज़मानत जारी हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़ कंप्लीट बंद कर दो फुल बंद कर दो <coughs> या कोई भी अगर ऐसा मामला हुआ है तो उस सूरत में क्या होगा उस सूरत में ये होगा कि फ़र्द बह जारी नहीं होगी क्योंकि फ़र्द बह सिर्फ उस सूरत में जारी होगी कि जब आपकी ज़मीन की कैफियत का कालम क्या है बिल्कुल खाली है मतलब ये ज़मीन ना कोई किसी किस्म की रहन शुदा ना कोई स्टेज के ऊपर है ना इसके ऊपर किसी किस्म का को कोई और लेन देन है अगर ये चीज़ होगी तो हम कहेंगे कि क्या है हम कहेंगे कि जनाब हाँ अब फर्द बै जारी हो सकती है फ़र्द ब जारी कौन करेगा पटवारी जारी करेगा अब जो हमारा रिकार्ड ऑफ राइट है ये दो कापीज़ में बनता है एक कापी को क्या कहते हैं एक कापी को कहते हैं पर्थ पटवार और एक कापी को हम कहते हैं पर्थ सरकार अब ये पर्थ पटवार और पर्थ पर्त कहते हैं वैसे पेज को लेकिन यहां पे पेज का मतलब क्या रजिस्टर पटवार वो कापी जो पटवारी मेंटेन करते हैं। और पर्थ सरकार वो कापी जो कौन मेंटेन करता है जो मेंटेन करता है आपका तहसीलदार जब हम पर्त पटवार यानी कि पटवारी से काफी लेते हैं तो हम चले जाते हैं तहसीलदार के पास और वो अपने रिकॉर्ड में उसको क्या करता है वेरीफ़ाई करता है और एक स्टैंप लगा देता है कि नकल बा मुताबिक असल कि भाई जो ये बंदा नकल पटवारी से लेकर आया है मेरे पास असल में ये चीज़ मौजूद है तो मतलब ये अथेंटिक रिकॉर्ड है ये गलत रिकॉर्ड नहीं है तो जब ऐसी फर्द ब कोई बंदा लेकर आए कि जो किससे वैलिड हो जो वैलिड हो आपके तहसीलदार से यानी कि उसके ऊपर नकल बा मुताबिक असल का ठप्पा लगा हो वो फ़र्द आपकी ज़मीन के लिए क्या है क्योंकि अब अगर वो शख्स आपके साथ वो एग्रीमेंट करता है फ़र्द के ऊपर तो अगर वो कर लेगा तो दोबारा बेचने के लिए उसको फिर क्या चाहिए होगी फ़र्द चाहिए होगी तो दोबारा फ़र्द उस वक्त तक जारी नहीं करवा सकता जब तक पिछली फ़र्द आपकी कैंसिल ना हो जाए अब होता क्या फ़र्द मलकियत क्या फ़र्द मलकियत ये है कि ये मालिक है एक्स और एक्स के बेटे हैं ए बी और सी फर्द मलकियत ए को भी जारी हो सकती है बी को भी जारी हो सकती है और किसको जारी हो सकती है सी को भी अगर बाप उसका जिंदा है तब भी जारी हो जाएगी ये किस लिए होती है आपने घर में कोई मीटर लगवाना है वोटर लिस्ट में अपना कोई नाम डलवाना है यह कडोमी सैल वगैरह बनवाना है कि जी मेरी ये जमीन यहाँ पर मौजूद है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है फ़र्द मलकियत अब आप लोग फ़र्द मलकियत देख के कहते हैं हाँ जी ये तो इसके नाम पर मालिक है अब फर्द मलकियत में बाज क्या किया जाता है कि आखिरी कलम या तो लिखवाया नहीं जाता या उसको इस हालत में ले आता है कि आपको पता ही नहीं चलता आप देखते हैं जनाब ये तो बिल्कुल बंद है इसका क्या है मालिक है अभी पिछले हफ्ते की फ़र्द जारी है और इसके ऊपर आपके साथ क्या हो जाता है फ्रॉड हो जाता है तो अब ये ये जो सिस्टम है ये हमारे दो से तीन सूबों में चल रहा है लेकिन पंजाब से ये क्या हो गया ख़त्म वहाँ पर क्या हो गया कंप्यूटराइज जब ये सिस्टम चलता था तो इसमें क्या एक तरीकाकार था आपने एक सुनोगा इंतकाल का या म्यूटेशन का अब ये इंतकाल या म्यूटेशन और रजिस्ट्री में फ़र्क क्या है हम लोगों को अक्सर ये नहीं पता होता कि रजिस्ट्री क्या है इंतकाल क्या है ये म्यूटेशन क्या है पटवारी का रोल एंड टास्क है क्या तो इसका जो पूरा एक तरीका कार या रिकार्ड ऑफ राइट का जो मेंटेन करने का तरीक़ाक है वो क्या है वो कुछ इस तरीक़े के साथ है कि जब हम कोई ज़मीन ख़रीदेंगे सबसे पहले या ज़मीन ख़रीदेंगे या कोई भी ऐसा शख्स जिसको ज़मीन में कोई भी राइट हासिल हो गया वो मॉर्गेजर या मॉर्गेजी के तौर पे राइट आ गई लेसी के तौर पे आ गया टेनेंट के तौर पे आ गया एक शख्स है इसने कोई भी राइट अक्वायर किया है किसके अंदर इसने रॉइट अक्वायर किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर अभी जो राइट अक्वायर किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ये मुख्तलिफ तरीके के साथ हो सकता है ये सेल के जरिए से भी हो सकता है परचेज़ के ज़रिए से भी एक बंदा राइट हासिल कर सकता है ये गिफ्ट के ज़रिए से भी हो सकता है और ये डिक्री ऑफ द कोर्ट के ज़रिए से भी राइट हासिल कर सकता है या उसके अलावा कोई और जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है हमारा राइट का तो इसने किसी भी तरीके से राइट हासिल कर लिया किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर तो ये क्या करेगा इसकी ज़िम्मेदारी है कि ये शख्स तीन महीने के अंदर अंदर जो है वो पटवारी के पास जाकर इसको क्या करे? रिपोर्ट करे। जो पटवारी है पटवारी का एक ही काम है और वो काम क्या है एक्चुअल इंतकाल करना इंतकाल करना मतलब मुंतकिल करना और मुंतकिल करने के लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज़ यूज़ होता है म्यूटेशन एक्चुअल पटवारी का काम है म्यूटेशन करना मतलब जमीन को एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पर क्या करना ट्रांसफर इसका रजिस्ट्रेशन के साथ एक्चुअली कोई भी काम नहीं है जो असल तरीका कार है जमीन के खरीदने का वो क्या है वो ये है कि मैं एक जमीन खरीदना चाहता हूं ये ए है ये प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है सबसे पहले ये फर्द से वेरीफाई करे कि वाकई उस शख्स के नाम पर जमीन है या नहीं फिर उसके बाद क्या होगा फिर उसके बाद ये बंदा एक तैयार करेगा सेल डीड और सेल डीड के लिए क्या है कि एक प्रॉपर वैल्यू का स्टैंप पेपर अब ये वैल्यू पंजाब के लिए कितनी है नॉन फाइलर के लिए सेवन परसेंट है और फाइलर के लिए वैल्यू कितनी है छः परसेंट मतलब अगर एक किरोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है ना तो पंजाब में सात लाख रुपया रजिस्ट्रेशन कौन देगा फाइलर नॉन फाइलर और छह लाख रजिस्ट्रेशन फीस कौन देगा वो देगा आपका नॉन फाइलर जो है सॉरी फाइलर फाइलर कम देगा और नॉन फाइलर क्या करेगा एक परसेंट का फर्क है जो और उसमें फिर वो कैपिटल वैल्यू टैक्स भी आ जाता अक्सर अगर कैपिटल वैल्यू टैक्स वाला मसला ना हो तो जो नॉन फाइलर होगा वह छसेंट और जो फाइलर होगा वो पांच परसेंट यह टैक्स है बलोचिस्तान में इसको और कम कर दिया गया बलोचिस्तान में कुल मिलाकर कोई ये दो या अढ़ाई परसेंट है बलूचिस्तान में ये पाँच छः सात परसेंट यह टैक्स नहीं है दो परसेंट टोटल ये आपका टैक्स है जो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होता है कैपिटल वैल्यू टैक्स अलग हो जाता है कैपिटल वैल्यू टैक्स के अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें आ जाती है कैपिटल वैल्यू टैक्स के अलावा इसके अंदर और क्या आ जाता है कैपिटल वैल्यू टैक्स के अलावा इसमें आपके पास एफ बी आर का टैक्स जो तहसील ऑफिस की फीस ये मुख्तलिफ सारी चीज़ें मिला कर क्या हो जाता है ये दो परसेंट है पंजाब में छः परसेंट और बलोचिस्तान में यह कितना है टैक्स टोटल दो परसेंट मतलब अगर आपकी एक करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर दो परसेंट और दो परसेंट भी क्या होगा डिवाइड होगा अगर हम पंजाब की बात करते हैं वहां पर क्या होता है कि तीन परसेंट एक्चुअल इसका जो है वो किसके पास जाता है ये आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाता है उसके बाद एक परसेंट किसकी फीस होती है ये तहसील ऑफिस वालों की फीस होती है एक परसेंट किसकी फीस होती है ये एफ बी आर की अगर आप फाइलर हैं और अगर फाइलर नहीं है तो कितने परसेंट दो परसेंट इसका अलग चलान बनेगा ये नेशनल बैंक में आप उसके पास जमा करेंगे इसका चलान असल चीज़ है ये तीन परसेंट अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है एक तो तीन परसेंट कितना हो गया तीन लाख हम पंजाब बैंक में जाएंगे और तीन लाख रुपए का एक स्टैंप पेपर परचाज, परचेज करेंगे अगर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है एक करोड़ तो अगर एक करोड़ उसकी वैल्यू है तो तीन लाख का स्टैम्प पेपर वो होगा कि जिसके ऊपर ये डीड लिखी जाएगी अगर तीन लाख से कम के स्टैम्प पेपर पर डीड लिखी जाएगी तो आपका जो रजिस्ट्रार है उसको क्या करेगा वापस कर देगा खाली तीन परसेंट ये नहीं एक परसेंट का तहसील ऑफिस का चलान और एक या दो परसेंट का आपका एफ बी आर का चलान वो साथ लगा होना चाहिए जब ये सारी चीज़ें लगी होंगी तो आप किसके पास चले जाएंगे रजिस्ट्रार के पास अब रजिस्ट्रार ने इसको और मॉडर्नाइज कर लिया उसने कहा कि ना जना और पार्टी यहां पर जो सबसे ज़रूरी पार्टी है वो सेलर का मौजूद होना बायर का मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता ज़मीन की सेल और परचेज़ के वक्त बायर का मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता किसका मौजूद होना ज़रूरी होता है सेलर का बायर अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से भी ज़मीन ख़रीद सकता है तो अगर सेलर ख़ुद नहीं है तो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो प्रॉपर रजिस्टर्ड होगा लेकिन बायर वाला वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई भी बंदा चला जाएगा क्योंकि उसके नाम पर तो वो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है ना तो उसके लिए इतनी खास ज़रूरत नहीं होती तो जब ये सारी चीज़ें करके आप जाते रजिस्ट्रार के पास तो वो क्या करता है वो सबसे पहले सेलर्स अगर एक दो तीन चार उनको बुलाते हैं और उनसे बयान लेता है कि भाई जो आपने इसके ऊपर तहरीर की है क्या वाकई आपने ये ज़मीन इसको बेची है क्या वाकई आपने पैसे वसूल कर लिए हैं क्या वाकई आपने कब्ज़ा इसको दे दिया है या अगर आप इसको और ज़्यादा मज़बूत और अथेंटिक बनाना चाहते हैं इस डीड को तो पेमेंट बिफोर द रजिस्ट्रार कर दें जब पेमेंट बिफोर द रजिस्ट्रार होगा तो उसके सामने आप कहें जनाब कि ये वो लिखेगा कि मेरी मौजूदगी में ये जो रकम है इसकी क्या हो गई है अदा हो गई है जब ये सारा प्रोसेस होगा तो वो तमाम पार्टीज़ की तस्वीरें लेगा गवाहान की तस्वीरें लेगा और उसके ऊपर ये पंजाब के अंदर हमारे यहाँ अभी तक ये कंप्यूटराइज क्योंकि हुआ नहीं है हमारे यहाँ अभी भी तहसील वालों की अपनी मनमान एक लाख रुपए का अगर एक्चुअल फ़ीस है तो उसके ऊपर कितने पैसे ले रहे हैं तीन साढ़े तीन लाख रुपया वैसे ही ले लिया जाता है जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे वहाँ से तो फिर क्या होगा फिर आपका काम एक्चुअली हो गया ख़त्म फिर आपने सिर्फ वो मिठाई दे लिया उनको वो हर हर बंदे को दो दो हज़ार रुपये मिठाई देंगे तो फ़ाइल आपकी तीन चार दिनों में और अगर मिठाई नहीं देंगे तो फिर फ़ाइल शायद तीन चार पाँच छः महीने भी लग जाए और छः महीने बाद जब आप जाएंगे ना तो कोई ना कोई सिग्नेचर कोई ना कोई पॉइंट कुछ ना कुछ वहाँ पर क्या होगा मिसिंग होगा तो मिठाई तो हक़ है ना हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे ठीक रिश्वत देने वाला और लेने वाला जहनमी है मिठाई लेने वाला देने वाला वो तो तोहफा है ठीक है तो वो तो जहनमी नहीं है तो खैर अगर ये करेंगे तो अब यहाँ पर ये हो इसको कहते हैं रजिस्ट्री जो आप सुन रहे मेरी ज़मीन रजिस्ट्री हो गई मैंने रजिस्ट्री करवा ली है तो अब जब ये रजिस्ट्री हुई तो रजिस्टर होने के बाद ये ज़मीन अब इसका रिकॉर्ड एक्चुअली पंजाब के अंदर वही जो आपका दफ्तर है जिसमें आपने वो जमा किया था जो अराजी इंतकाल सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड पंजाब के अंदर तो वो अराजी इंतकाल सेंटर क्या करेगा किसके पास भेजेगा पटवारी पटवारी का, का काम क्या है इंतकाल करना मुंतकिल करना वो इस रजिस्ट्री का पाबंद है वो इस रजिस्ट्री की बेस पर क्या करेगा ज़मीन के पुराने ओनर के नाम से नए ओनर के नाम पर क्या करेगा उसको मुंतकिल ये टोटल पटवारी का काम है पहले रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी डायरेक्ट इंतकाल भी हुआ करते थे तो डायरेक्ट इंतकाल जो होते थे तो उसमें पटवारी साहब क्या करते थे वो फ़ीस ले लेते थे और डायरेक्ट इंतकाल भी चलता था डायरेक्ट इंतकाल में फिर ये होता था कि वो सिर्फ कंसेंट वग़ैरह लेकर और उसमें जमीन अभी भी पंजाब में डायरेक्ट इंतकाल भी चल वो भी वैलिड है डायरेक्ट इंतकाल भी लेकिन वो डायरेक्ट इंतकाल वो वाला डायरेक्ट इंतकाल जो उसकी प्रॉपर फीस पे करने के बाद हुआ या वो वैलिड है या वैलड रजिस्ट्री अब हमारे बलोचिस्तान में क्या है स्टैंप पेपर पे ज़मीनों की खरीदो फरोख वो किसी भी सूरत वैलिड नहीं है जो स्टाम्प पेपर के ऊपर ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त या अक्सर यहाँ पर हमारे मसले किस चीज़ के आ रहे हैं कि हम जो ज़मीन है शामिलात वाली वो अक्सर लोग खरीद कर बैठ जाते हैं तो उसका तो खाली कब्ज़ है और अगर उसके ऊपर कल मुकदमा भी होगा आप उसका मुकदमा भी औरिजिनेट कर ही नहीं सकते क्योंकि शामिली ज़मीन आपका हक नहीं है और इसके ऊपर कोई राइट जब औरिजिनेट ही नहीं होता तो आप अदालत में वो जा ही नहीं सकते इस पर काज ऑफ एक्शन अब ही नहीं होता खैर ये तरीका कार हो गया कि आप जब ये ज़मीन किसी भी तरीके से क्या करते हैं हासिल करते हैं ये अदालत ने आपका मुकदमा चल रहा था जिस बंदे का नाम रिकार्ड ऑफ राइट में लिखा हुआ था आप कहते हैं जिसने फ्रॉड से रिकार्ड ऑफ राइट में क्या किया अपना नाम लिखवा लिया तो आप उस बंदे के खिलाफ मुकदमा करते हैं और आपके पास क्या आ जाता है डिग्री ऑफ़ द कोर्ट इसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है ये डिग्री लेकर आप किधर चले जाते हैं पटवारी के पास पटवारी डायरेक्ट कभी भी आपका नाम दर्ज नहीं करता वो करता है आपसे रोज नामचे में वो चीज़ लिख देता है और वसूली दे देता है कि जी आप जो कागजात लाए थे मैंने क्या कर लिए वसूल कर लिए तीन महीने का वक्त होता है कि जिसमें पटवारी उस वसूल शुदा कागज को आपके उस नाम पे एक्चुअल मुंतकिल करेगा लेकिन वो कब करेगा कि जब वो तहसीलदार से पहले कन्फर्म करेगा कि वाकई ये चीज़ है या अपनी तरफ से कोई भी पटवारी नहीं कर सकता कोई भी एंट्री इसको वेरी करने के ऊपर क्या है पाबंदी है कि आप ये काम नहीं कर सकते ये तो जनरल चीज़ों की अब जो हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ एक चल रहा है रिकार्ड ऑफ राइट और एक चल रहा है पेडिकल रिकार्ड ऑफ राइट क्या चीज़ है पेडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट अब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट और ये पीरियडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट लेकिन जो ये पेडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट है ये पंजाब में ख़त्म हो गया अब पंजाब में कोई भी पीआडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट का कंसेप्ट मौजूद नहीं है जब से ये कंप्यूटराइज हुआ तो ये प्रियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट का किस्सा खत्म हो गया अब सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ राइट रह गया हमारे पास प्रियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट क्यों है या पहले पंजाब में क्यों था उसकी वजह ये है कि अब ये एक रजिस्टर है जो रिकॉर्ड ऑफ राइट पहले रहा पर मेंटेन होता था रजिस्टर के ऊपर सफ़े की कोई ना कोई एज है ना जब ये बार बार इस पर कुछ लिखा जाएगा तो क्या होगा खराब हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा और अगर बार बार किसी बंदे का नाम काटा जाएगा उसकी जगह कोई दूसरा ओनर लिखा जाएगा तो इस पर क्या होगा इसकी तो हालत बुरी हो जाएगी तो पहले ये चलता था कि ये जो प्रोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट उसमें क्या होता था कि एक रजिस्टर सिर्फ चार साल के लिए वैलिड होता था चार साल के बाद क्या होता ये रजिस्टर क्लोज कर दिया जाता और इसकी ऐसे की ऐसी ही सारी की सारी इंट्रियाँ क्या की जाती दूसरे रजिस्टर के ऊपर दर्ज कर दी जाती अब इन चार सालों में क्या हुआ अगर चार साल में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब ये लिखा हुआ है कि जनाब ये ज़मीन किसी की मलकियत है नाम मालिक में अहाल यह कब की फ़र्द है ये फ़र्द है ग्यारह आठ दो हज़ार बीस की अब अगर यहाँ पर जाकर यह ज़मीन बिक जाती यही सेम कॉपी किसके पास मौजूद है ऐसा ही बिल्कुल सेम पेज पटवारी के रजिस्टर में लगा हुआ है और ऐसा ही सेम जो पेज है वो किसके पास लगा हुआ है वो आपका लगा हुआ है जनाब तहसीलदार के रजिस्टर में और इसके अंदर ये अभी भी आप देखेंगे ये जो है ना वो ब्लू कलम के साथ भरा हुआ भरा हुआ ना ये वैसे गलत है ब्लू कलम के साथ उसको भरना नहीं चाहिए ये ब्लैक और इसका जो ये कैफियत है ये रेड पे चलता है मतलब ये कॉन्टिजेंट एंट्री से अगर इस चार साल में ये ज़मीन बिक जाती है तो ये नहीं होगा कि इसका नाम काटा जाए क्रास किया जाए और उसके नीचे क्या किया जाए दूसरे बंदे का नाम ऐसा नहीं होता उसका क्या तरीकाकार होगा जब चार साल में ये ज़मीन बिकेगी तो यहाँ से कुछ नहीं किया जाएगा इस कैफ़ियत में लिखा जाएगा कि बज़रिया रजिस्ट्री नंबर फ़लाँ बज़रिया अदालती हुक्म नंबर फ़लाँ ये ज़मीन फ़लाँ शख्स फ़लाँ के नाम पर मुंतकिल हो गई लेकिन यहाँ पर दर्ज इसको नहीं किया जाएगा जब चार साल पूरे हो जाएंगे जो नया रजिस्टर आएगा उसके अंदर क्या किया जाएगा इस एंट्री को उठाया जाएगा और मालिक के खाने में लिख दिया जाएगा और इस बंदे को उठाकर कर किधर लिखा जाएगा पहले जगह पे यहाँ तो यह आपको बताएगा कि हाँ भाई यह ज़मीन मुंतकिल होगी किस जमाबंदी में यह मंतकिल हुई है किस पीरियडिकल रिकॉर्ड में यह ज़मीन क्या हुई है आपके नाम पर मुंतकिल हुई है तो ये चीज़ इस तरीके से आपको पता चल जाता है अब यहाँ पर क्या हुआ कि ज़मीन खरीदी पटवारी के पास गए और उसके पास जाकर हमने क्या कर लिया हाँ अगर पटवारी तीन महीने में इंतकाल नहीं करता फिर हम क्या करते हैं फिर हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ चले जाते हैं उधर जाने से पहले हम क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं इसमें है जी नकल फर्द इंत जमांदी मोहाल पहली चीज़ क्या है इसमें मोहाल उसके बाद मौजा फिर है तप्पा अब तीन चीज़ें इस पर लिखी होती हैं जब भी आप फर्द देखेंगे फर्द के टॉप पर आपको दो से तीन चीज़ें नज़र आएंगी अब ये फर्द के टॉप पर जो चीज़ें नजर आएंगी वो कौन सी चीज़ें नजर आएंगी एक यहाँ पर नज़र आ रहा है मोहाल एक अभी नज़र आ रहा है मौजा और एक ये तप्पा भी नज़र आएगा कहीं पर आपको ये पट्टी का लफ्ज़ नज़र आएगा और कहीं पर ये अज तरफ का लफ्ज़ नज़र आएगा लेकिन एक ही चीज़ से और उसके बाद तहसील ज़िला जो भी है आपका तहसील और ज़िला इस्पेशली ज़िला अब ये मोहाल क्या है मौज़ा क्या है और तप्पा क्या है हम लोग जब जाते हैं ना अपने नॉर्मल घरों के अंदर अगर मैं किसी से एड्रेस पूछूँ तो क्या एड्रेस आप बताएंगे कि जी मेरा मकान नंबर ये है गली नंबर ये है मोहल्ला फला है और शहर फला है आप किसी सोसाइटी में चले जाएं वो कहेगा जी फ्लैट ये है ब्लॉक ये है उसके बाद आगे फर्दर जो उसकी डिवीज़न की होगी कॉलोनी फला है सोसाइटी हर एक अलग अलग तरीका कारण है कहीं पर हम ब्लॉक्स से करते हैं कराची वाली साइड पर ज़्यादातर किधर ब्लॉक्स तो यहाँ पर जो जरिए ज़मीन है उसमें सबसे पहले क्या होती है मोहाल वो वो जो आपका एक गांव होता है ना उस गांव में क्या होती है एक नॉर्मली आपकी क्या होती है महाल एक माहौल में एक भी गांव हो सकता है और एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं वहाँ पर हम ये गली मोहल्ला नहीं देखते है. वहाँ पर हम क्या देखते हैं मोहाल महाल के बाद क्या होता है मौज़ा अब ये जी इसमें कारेज़ फ़लाँ क्या है हमारी महाल है और मौजा क्या है कांसी अब उसके बाद इस पर अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते तपा अब ये तप्पा पट्टी अज तरफ पत्ता ये क्या है हम इस वक्त यहाँ पर किधर बैठे हुए हैं हम लोग बैठे हैं मॉडल टाउन के अंदर ये मॉडल टाउन के अंदर बैठे हैं ना लेकिन अगर मैं पूछू यार वो कौन सा मॉडल टाउन यार वो समुगली रोड पर अब समुगली रोड तो सिर्फ यहाँ से क्या हो रहा है ये है मॉडल टाउन और समुगली रोड इसके यहाँ से क्या हो रहा है गुजर रहा है तो ये इसका मतलब नहीं कि समुगली रोड के जो है ना वो अंदर है अंदर नहीं अज तरफ यार ये वो समुगली रोड की तरफ है तो पहचान के लिए ये क्या है अस् तरफ पट्टी पट्टा ये बताया जाता है कि ये है किस तरफ तो महाल जहाँ पर ये आपकी महाल होगी फॉर एग्ज़ाम्पल और ये आपका क्या हो गया फिर आठ दस बारह मोहाले मिलाकर एक क्या बनता है मौज़ा मौजे के ऊपर पटवारी लगाया जाता है जो पटवारी हो तो उसको हम कहते हैं मौज़ा पटवारी तो मौज़ा क्या है कि अगर सिंपल मैं इसको करूँ तो ज़रियी ज़मीन में जो आपका ज़िला यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो तकसीम की जाती है वो किस में की जाती है वो पहले मौज़े डिफरेंट मौज़े बनाए जाते हैं और फिर हर मौज़े को तकसीम किया जाता है किसके अंदर मोहाल के अंदर और मोहाल के अंदर जो आपकी ज़मीन का जो जैसे हम घर नंबर कहते हैं मकान नंबर यहाँ पे ख़सरा नंबर यहाँ पे क्या होता है खसरा नंबर होता है ये तो इसके ऊपर तकसीम आगे हुआ नंबर खेवट और नंबर खतूनी पहला खाना इसका क्या है नंबर खेवट का और दूसरा खाना इसका क्या है नंबर खतूनी अब ये खेवट और खतूनी ये क्या है नंबर खेवट पहले नंबर लिखा है नंबर खेवट लिखा है और फिर लिखा है नंबर खतूनी अब नंबर खेवट क्या है नंबर खतूनी क्या है खेवट क्या होता है एक लार्जर पीस ऑफ जो लैंड होता है उसको हम क्या कहते हैं खेवट मतलब फॉर एग्जाम्पल जो मेरी जमीन उसका खेवट क्या है 34 बटा दो बटा दो ये खेवट का नंबर है मतलब ये पूरी जो जमीन पूरे जो इसको खेत से आप जहन में रख लें जो पूरे ये खेत है इनको जो एक कंजेक्टिव एक अगट्ठा नंबर दिया गया वो क्या है आपका खेवट नंबर खेवट नंबर के बाद है नंबर खतूनी खतूनी किसको कहते हैं काश्तकार को जो आपका लैंड ओनर नहीं लैंड लॉर्ड, जो कल्टीवेशन करता है वो क्या होगा आपका खतूनी उसको जो नंबर अलाट किया गया यहां पर वो खतूनी का लिख दिया उसके बाद यहां पर क्या लिखा जाएगा नाम मालिक में अहवाल नाम मालिक है मैं अहवाल अब यहाँ पर मालिक का नाम और उसका अहवाल अहवाल का मतलब क्या है कि वो कुल का मालिक है जज़्व का मालिक है पूरे हिस्से का है पूरे खेवट का है या उसके खेवट के कुछ हिस्से का है मालिक का पूरा नाम और उसका सारा अहवाल लिखा जाएगा नाम बजगर मैं अहवाल अब ये जो नाम बजगर है ना ये हर जगह पे अलग अलग होता है यहाँ पर बजगर है और पंजाब में क्या होगा नाम खतूनी अब अगर मेरी ही जमीन है और उसके ऊपर काश्तकारी भी कौन करता है मैं खुद तो यहाँ पर नाम में क्या आ जाएगा अज खुद काश्त कि खतूनी अलग है कोई नहीं खतूनी यही माल है खुद ही क्या करता है इसकी काश्तकारी करता है तो चौथे कालम में क्या आ गया नाम बजगर में अहवाल बजगर कौन हो गया जो आपका खतूनी है जो आपका काश्तकारी है उसका नाम इसमें लिखा जाएगा फिर है पैमाना हकीकत अब नाम बस कर मैं अवाल कहे अगर तो यही बंदा मालिक भी है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर अगर काश्तकारी वाली जगह है तो अज खुद काश्त है अगर किसी और ज़मीन की है तो हम लिख देंगे कि ये क्या है ये मकबूज़ा मालिक है मतलब काबिज भी है और इसका क्या है ज़मीन का मालिक भी एक और अगर खतूनी कोई अलग है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जनाब काबिज़ कोई और है और मालिक कोई और है उसके बाद पैमाना हकीकत अब पैमाना हकीकत का क्या मतलब है कि इस जमीन में यह कुल का मालिक है या उसके किसी जुज्व कितने कुल और कितने इसके जुज्व अब वो जो जमीन होती है ना उसको हिस्सों में क्या कर दिया जाता है तकसीम कर दिया जाता है कि सालम खाता कितना। सालम है जी दो सौ सोलह कनाल का। इसका हिस्सा कितना सालम खाते में इसका हिस्सा है जी आठ कनाल तो पूरे खेवट के अंदर इतनी कनाल है खेवट एक सालम खाता होता है ना कि इस खेव के अंदर इतनी कनाल है और इसकी कनाल कितनी है इतनी तो क्या पैमाना हकीकत ये पूरे के पूरे खेवट का मालिक है या उसके किसी हिस्से का मालिक है पैमाना हकीकत में आ जाएगा फिर आगे आ जाएगा नंबर खसरा जो एक्चुअल आपकी जमीन का जो नंबर है वो यहां पर लिखा जाएगा खसरा नंबर क्या है उसके बाद आ जाएगा रकबा कि आपका एरिया कितना है फिर उसके बाद आ जाएगा किस्म जमीन किस्म जमीन कौन सी है जरिए है रिहायशी है या क्या है और फिर मालिया कहीं पर मालिया का लफ्ज़ होगा और कहीं पर क्या होगा आपका लगान का लफ्ज़ और फिर आखिर पे खाना कौन सा आ जाएगा कैफियत अब कहीं पर इस तरीके से चलेगा कहीं पर क्या चलेगा <coughs> कहीं पर किस्म ज़मीन की जगह आपको नज़र आएगा नाम चाह ये नाम चाह क्या है चाह किस कहते हैं चाहे जक़ का लफ्स ना कभी चाहे जकॉँ हाँ जी ना चाचा जी है उनके चाहे जकॉँ पे मर मिटे थे हम डिम्पल को कहते हैं उर्दू में चाहे जका जो वो पढ़ता है ना उसको चाहे चाह कुएं को ही कहते हैं जकॉँ किसको कहते हैं जकॉँ गाल को कहते हैं ना तो चाहे जकॉँ क्या हो गया वो जो गाल के अंदर कुआ है वो वाला उसको कहते हैं कुएं ही लेकिन वो चाह तो ये क्या हो गया नाम चाह पुराने दौर में तो ट्यूबवेल श्यूबेल वाला चक्कर तो नहीं था ना तो एक जो कुआं लोग खोदते थे तो एक बंदे का नहीं होता था वो सारे लोग मिलके क्या करते थे उसमें हिस्सा डालते थे और उसका वो हर बंदे का हिस्सा होता था कि इतने परसेंट का मालिक है इतना 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 तो कहाँ से उसकी इरीगेशन होती है तो वो उस सोर्स ऑफ इरीगेशन का जो है वो नाम लिखा अभी सोर्स अगर नहर है तो नाम चाहे हमें नहर का नाम आ जाएगा कि फ़लाह नहर के ज़रिए से ट्यूबवेल के ज़रिए से किस ज़रिए से इसके ऊपर काश्तकारी होती है तो अब देखें कि एक फ़र्द ने हमें क्या किया एक फ़र्द ने हमें ज़मीन की पूरी की पूरी जो तफसील है वो दे दी इसका मालिक कौन है काश्तकार कौन है और काश्त खुद करता है कोई और करता है खसरा का नंबर किसका है या इसका रकबा कितना है ज़मीन बंजर है अब ज़मीन की फिर तीन किस्में आगे हम चल के पड़ेंगे इरीगेटेड होती है अनइरीगेटेड होती है और बैरन होती है हमारे जहन में जो जनरल है हमने क्या सोचा वो हम तो कहते हैं एक होती है इरीगेटेड जिस काश्तकारी और एक होती है अनिगेटेड जो क्या होती है बंजर लैंड रेवनीू में ऐसा नहीं है इरीगेटेड पर भी काश्तकारी होती है और अनइरीगेटेड भी वो ज़मीन होती है जिस पर काश्तकारी हो सिर्फ़ बैरन होती है जो क्या होती है बंजर फ़र्क क्या है कि इरीगेटेड लैंड जिस पर पूरा साल काश्तकारी होती है ट्यूबवेल वगैरह के ज़रिए से अनइरीगेट लैंड की जो सैलाबी है बारानी है पूरा साल काश्तकारी नहीं होती अगर कोई बारिश आएगी तो काश्तकारी होगी अगर कोई सैलाब आएगा तो काश्तकारी होगी नहीं तो उसके ऊपर काश्तकारी नहीं होगी तो वहाँ पर वो तरीकाकार भी अलग है अब ये हो गया हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो मेन हमारी फ़र्द है उसके मतलब कि ये फ़र्द में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो फर्द क्या है कि जब भी हमने ज़मीन ख़रीदनी है तो कौन सी फ़र्द क्लेम करनी है हमने करनी है फ़र्द क्लेम फ़र्द बे ये तो थी जबानी कलामी बातें अब हम इसके हवाले से थोड़ा सा जो है ना वो सेक्शन थर्टी नाइन को भी पढ़ते हैं कि सेक्शन थर्टी नाइन इस रिकॉर्ड ऑफ राइट के बारे में क्या कहता है कि ये क्या चीज़ इसके अंदर है सेक्शन थर्टी नाइन अब जो आपका सेक्शन थर्टी नाइन है लैंड रेवेन्यू एक्ट का वो कहता है द रिकार्ड ऑफ राइट फॉर एन रेट शेल कहते हैं ना कि स्कूल का रिकार्ड या अदालती रिकार्ड क्या अदालत में एक ही रजिस्टर होगा या अलग अलग रजिस्टर होंगे कहीं पर मुकदमों का लिखो होगा कहीं पर हाजिरियों का लिखो होगा कहीं पर स्टाफ का लिखो होगा कहीं पर किसी चीज का लिखो होगा अलग अलग होगा ना स्कूल में क्या होता कॉलेज में क्या होता है वहां पर भी होता है कि रजिस्टर हाजिरी हाजिरीन अलग होता है स्टाफ का स्टूडेंट्स का अलग होता है इन्वेंट्री रिकार्ड अलग होता है लाइब्रेरी वाला अलग होता है रिकार्ड ऑफ राइट में भी यही है ये यह खाली एक रजिस्टर नहीं होता इसमें क्या होता है मुख्तु किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग सो फार एज मैनी प्रैक्टिसबल क्या है जनाब आपका के सबसे पहले इसमें आ जाएगा स्टेटमेंट जो आपका किसके मुतल है जो लैंड ओनर्स के मुतल है कि आखिर मालिक कौन कौन ही अलग एक रजिस्टर होगा जिसमें सिर्फ किस चीज का नाम होगा लैंड ओनर्स का दूसरा इसमें एक रजिस्टर होगा जिसमें क्या होगा इंटरेस्ट ऑफ एक्सटेंट ऑफ राइट एक्सटेंट ऑफ राइट का मतलब क्या है कि किस जमीन में कौन सा शख्स किस चीज तक हकदार है क्या वो उसका मालिक है क्या वो उसका काश्तकार है या वो उसका मॉर्गेजी है या वो उसका क्या है लेसी है उसकी हैसियत क्या है उसका हक क्या है वो उसका लिखा जाएगा उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि रेंट लैंड रेवेन्यू रेट एंड सेस एक रजिस्टर होगा जिसमें रेंट के बारे में जो वो टैक्स पे कर रहा है लैंड रेवेन्यू पे कर रहा है उसके बारे में और सेस के बारे में लिखा जाएगा कि कितना लैंड रेवेन्यू कितना सेस कितना ये बंदा अमाउंट पे कर रहा है वो लिखा जाएगा फिर स्टेटमेंट ऑफ कस्टम एक होगा स्टेटमेंट ऑफ कस्टम होगा और एक होगा मैप ऑफ लैंड स्टेटमेंट ऑफ कस्टम के बाद मैप ऑफ लैंड होगा और सबसे आखिर पे क्या होगा सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रिस्क्राइब तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो अदर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब करेगी तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टी नाइन जब भी हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट तो इसमें पूछा जाता है वट डॉक्यूमेंट्स आर इंक्लूडेड इन रिकार्ड ऑफ राइट तो रिकार्ड ऑफ राइट में क्या है स्टेटमेंट इसको जो है ना इसको रजिस्टर जमा मंदी भी कहा जाता है तो सबसे पहले स्टेटमेंट लैंड ओनर की होगी फिर उसके बाद किस किस का कितना कितना हिस्सा है फिर रेंट और उसके बाद लैंड रेवेन्यू सेस वगैरह के बारे में स्टेटमेंट ऑफ कस्टम मैप ऑफ लैंड और उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मुकम्मल एक रिकार्ड क्या होगा इसमें यह है रिकार्ड ऑफ राइट तो इसमें कई जगह पर क्या होता है एक और रजिस्टर भी शामिल होता है जिसको हम क्या कहते हैं खसरा गर्दावरी ये भी अक्सर इसमें शामिल होता है खसरा गर्दावरी में क्या होता है खसरा गर्दावरी के अंदर जनाब आपका जो क्रॉप इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड होता है जितनी फसलें होती हैं उनके लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है क्रॉप्स इंस्पेक्शन का तो वो जो क्रॉप इंस्पेक्शन वाला रिकॉर्ड है वो खसरा गर्दावरी के रजिस्टर के अंदर क्या होता है मौजूद होता है और वो चीज वहां पर लिख दी जाती है कि जनाब ये फला फला फसल इस बंदे ने काश्त की है यह है सेक्शन आपका थर्टी नाइन जो हमें बताता है कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड ऑफ राइट में होते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका वो जो तरीकाकार जो आज हमने पढ़ा हम उसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कि सेक्शन फोर्टी से ऑनवर्ड इसके बारे में क्या कहता है तो आज हमने बेसिकली क्या देखना था कि रिकॉर्ड ऑफ राइट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और रिकॉर्ड ऑफ राइट का मतलब क्या है और रिकॉर्ड ऑफ राइट की अहमियत के जितना एक बार जहन में रख ले कि वैसे तो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये कौन सा इदारा है इसका काम है सिर्फ और सिर्फ़ ज़रूरी ज़मीन के मतलब और जहाँ तक बात है रिकार्ड ऑफ राइट की तो रिकार्ड ऑफ राइट किसी भी किस्म की ज़मीन चाहे वो ज़रूरी है चाहे वो कमर्शल है या चाहे वो रेजिडेंशल है जो भी ज़मीन होगी उसका जो रिकार्ड ऑफ राइट है वो कौन मेंटेन करेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो बाक़ी मामलात हैं वो सिर्फ़ ज़रु ज़मीन के लेकिन रिकार्ड ऑफ़ राइट किसी भी ज़मीन का होगा तो कौन मेंटेन करता है पटवारी और पटवारी किसका मेंबर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पटवारी के बाद कौन होता है तहसीलदार तहसीलदार भी किसका मेंबर बन जाता है आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का तो ये रेवेन्यू का ये काम है कि वो पूरे पूरा आपका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट उसको क्या करें उसको मेंटेन करें और इसके अंदर से हमें क्या पता चलता है इसके अंदर से हमें ये पता चलता है कि कोई भी जमीन किसकी मालिक है और इसमें स्पेशली फर्द बह का जो मैंने आपको बता दिया कि फर्द बह में क्या होता है कि उस जमीन का करंट स्टेटस आपको पता चलता है कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म का स्टे कोई इनकम्बरेंस कुछ है या नहीं है इसके हवाले से कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ लें